दीदी हम मूवी देख रही है, इनको और भी काम नहीं है। मम्मी क्या कर रही है देखो। हेलो, क्या कर रहे हो? क्या बन रहा है? मैंगन का भरता। मैंगन का भरता और कुछ भी नहीं बन रहा। रोटी नहीं बना, मैंगन का भरता ही खाऊंगा। नहीं, रोटी नहीं बन रही। रोटी नहीं बन रही है। रोटी बन रही है, बन रही है। हेलो मम्मी, क्या करा रही हो? क्या करा रही हूँ? ऑयल डलवा रही हूँ बालों में और फिल्म देख रही हूँ। कौन सी वाली फिल्म आ रही है? सिंग इज बिलिंग। हाँ, वो फिल्म देख रही हूँ और आयुर्वेदिक तेल डलवा रही हूँ। देखो, आप देख सकते हो, ये है ओरिगेंज का कलौंजी तेल है। ये कलौंजी का तेल है, प्योर कलौंजी का। बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, हमारे हेयर गेन के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कलौंजी तो वैसे भी हम लोग खाने पीने में भी खाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी होती है और मतलब हेल्दी होती है हमारे लिए। तो उसका तेल भी आने लगा है आजकल, हेयर ऑयल। तो मैंने ये मंगाया था, तो मैंने सोचा कि चलिए बालों में डालकर देखती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में रसगुल्ले। काले वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मावा निकालना है। ये घर का ही दूध है जो हम लोग दूधिया से लेते हैं ना, जो हमारे यहाँ पर आता है दूध, हम उसी दूध से मावा निकाल रहे हैं। तो मावा जो है वो हमारा तैयार हो गया है और मावा बनने में बहुत टाइम लगता है गाइस। तो हमारे 2 से 2.5 लीटर दूध में कम से कम आधा किलो के करीब मावा निकला। और अब बना रहे हैं हम लोग चाशनी। और चाशनी के लिए हम लोगों ने चीनी, पानी और सफ़ेद इलायची, इसको मिक्स करके रख दिया है पकने के लिए, चाशनी बनने के लिए। और अब जो ये मावा है इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक हमें इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं करना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो क्या क्या हमें मिक्स करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके साथ में मिक्स करनी है मैदा, बहुत ज़रूरी पार्ट है। पहले हमें मैदा मिक्स करनी है। तो हम लोग 1 कप मैदा ले रहे हैं, आधा किलो खोया में। तो हमने इसमें 1 कप मैदा ली है। और आई होप आप लोगों को रसगुल्ले बनाने आते होंगे। हम लोगों ने आज ये दूसरी बार बनाए थे और पहले जो मैंने बनाए थे वो भी बहुत अच्छे बने थे और इस बार जो हम लोगों ने बनाए वो भी बहुत अच्छे बने। तो मुझे इतनी ज़्यादा ट्रेंड तरीके से नहीं आता है, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर डाली थोड़ी सी सूजी। तो 2 से 2.5 चम्मच, 3 चम्मच के करीब हम लोगों ने इसके अंदर सूजी डाली।
और इस सूजी को भी इसके अंदर हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि मतलब जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे से बने। और सूजी डालने का सबसे मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है कि सूजी जो है ना रसगुल्लों को बहुत अच्छे से फुला देती है और बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं रसगुल्ले अंदर से ना, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अब मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से और बिल्कुल इसको ना बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम लोगों को ये एक डो तैयार कर लेना है। और अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा, जो हम लोग घर पर बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, क्योंकि इससे ना काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे हमारे रसगुल्ले। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेंगे, ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं लेंगे, जो भी आपको ठीक लगे उस साइज़ के आप लोग बनाइए, क्योंकि ये थोड़ी सी ना जो हम लोगों ने चाशनी बनाई है उसमें जाकर फूलेगी भी, तो थोड़ा सा साइज़ छोटा ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से इस सभी जितना भी हम लोगों ने ये खोए का रेडी किया है बैटर, इससे हम लोग जो हैं सभी को छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे सभी की, और उसके बाद में इसको करेंगे हम लोग फ्राई। और इन बॉल्स को हमें कम से कम गोल्डन ब्राउन होने तक, आप अपने हिसाब से, मतलब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्क अगर आपको चाहिए कलर तो आप डार्क तक इसको फ्राई कीजिए, और अगर आप लोगों को थोड़ा लाइट में चाहिए, ज़्यादा काले नहीं होने चाहिए अगर आपके रसगुल्ले, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट में फ्राई कीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन लोगों इन्हें फ्राई किया बहुत अच्छे से, और उसके बाद में हम लोगों ने ये बनाकर पहले एक प्लेट में अलग निकाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनको चाशनी में डालेंगे। और चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत इजी होता है रसगुल्ले बनाना, घर पर हम लोगों ने दो बार बनाए, दोनों बार बहुत अच्छे बने, और मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा भी झंझट भरा नहीं लगा, क्योंकि पहले जब तक बनाए नहीं थे तब तक ये लगता था कि रसगुल्ले बहुत हार्ड होते हैं घर पर बनाने, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी होते हैं बनाने अगर हम लोगों को बनाने की अच्छे से टेक्निक आती है। तो हम लोगों ने ये फ्राई कर लिए हैं और इसको डार्क और लाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितना डार्क और कितना लाइट चाहिए। तो हमारे जितने भी बॉल्स हैं वो सारी हमारी फ्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छे से, और चाशनी भी हमारी थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है,
बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में हमें ये नहीं डालने हैं, थोड़ी सी ठंडी हो गई है हमारी चाशनी, और अब हम इसके अंदर इन सारी बॉल्स को डाल देंगे और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको रख देंगे स्टे होने के लिए। और उसके बाद जब आप खाएंगे तो आप देखना कि कितना रस इसके अंदर चला जाता है, पूरी चाशनी को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से और बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस, और सच में बहुत अच्छे बने थे। तो एक बार घर पर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और बच्चों से जो है ना वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो खुशी जो है, हम लोगों ने इनको रखा था चाशनी के अंदर भिगोकर, बट वो मान रही रही है और वो इसमें से ना निकाल निकाल के खाए जा रही है, क्योंकि सच में टेस्टी बहुत लग रहे थे यार और बहुत अच्छा लगा। बट इनको सबको करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मावा भी काफ़ी देर तक पकता है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी। बस ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, बट अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें तो ये कम से कम 1 हफ्ते तक तो कहीं जाते नहीं हैं। तो हम लोगों ने रात के डिनर में भी ये खाए और बहुत टेस्टी लगे, और शाम का जो हमारा डिनर है वो बिल्कुल रेडी है और अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और वैसे भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो लेकर आती हूँ वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है और आप लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं मेरी वीडियो, काफ़ी अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट कमेंट करते हैं। सभी कमेंट की रिप्लाई करने की मैं कोशिश करती हूँ, बट अगर कोई कमेंट की रिप्लाई नहीं हो पाती एक दो दिन तो प्लीज़ नाराज़ मत होया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।